हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, यहाँ पर डीजीटी के तीन बड़े अपडेट यहाँ पर जारी हुए हैं और काफ़ी दिन से एक अपडेट तो पहले भी आ चुका है ग्रीवेंसेस को लेकर के। हालांकि वीडियो लेट बनाई जा रही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा एप्लीकेशन चेंज हुआ है तो इस रीज़न से उसमें थोड़ा सा बिजी थे, इस रीज़न से अपडेट नहीं दे पाए। तो बाकी अभी इसमें डेट है। आप सबसे पहले मैं तीन अपडेट के बारे में बात करूंगा, मैं ध्यान से सुन लेना, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बस बता रहा हूँ आपको, इस पर अमल आपको करना है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर जिन छात्रों का आप फर्स्ट ईयर के छात्र थे, मैं बात कर रहा हूँ किनके, जो फर्स्ट ईयर के छात्र थे या फिर सेकंड ईयर के छात्र, ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड ईयर, ठीक है। जितने भी ये दोनों छात्र थे, आप लोगों का रिजल्ट आया होगा अभी हाल फिलहाल में, तो यदि आपकी प्रोफाइल में कुछ भी दिक्कत है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी यदि गलत है तो उसमें आप सुधार करवा सकते हैं, ठीक है ना, है ना, सुधार आप करवा सकते हैं मेरे भाई। और सुधार कहाँ पर होगा, ये ग्रीवेंसेस के द्वारा। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हो ग्रीवेंसेस, आप अपनी प्रोफाइल ओपन करके ग्रीवेंसेस डाल सकते हो, लेकिन फिर दिक्कत होगी। ग्रीवेंसेस दो प्रकार से होगा, वहां पर एक तो मार्कशीट वाला खुलेगा, है ना, और एक भैया, मतलब दो प्रकार के ग्रीवेंसेस खुलेगा, वो आपके आईटी वाले उसमें कर देंगे, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है मेरे भाई, ये आपको कुछ भी सुधार करवाना है, आपके नाम में दिक्कत है, पापा के नाम में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है, फोटो कुछ भी दिक्कत कर रहा है ना, तो आप अपनी आईटीआई में जाइए, वहां पर ग्रीवेंसेस डलवाइए, उनको बोल दो कि सर हमारा ग्रीवेंसेस डाल दीजिए, ग्रीवेंसेस पोर्टल अभी ओपन है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अभी ग्रीवेंसेस पोर्टल खुला हुआ है। तो पहला अपडेट ये है, जितने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक। सेकेंड ईयर वाले तो पास हो चुके हैं, वो तो निकल चुके हैं, फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर में आ चुके होंगे, लेकिन जिनका रिजल्ट आया है, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में थे, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि कुछ भी करेक्शन करवानी हो तो करवा लेना अपनी आईटीआई में जा करके, खुद से कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, ठीक है ना। अच्छा जी, ये तो बात होगी। दूसरा जो अपडेट है वो क्या है, वो है मेरे भाई एडमिशन को लेकर के, ठीक है ना। वो कौन सा है, एडमिशन को लेकर के, ठीक है ना। एडमिशन की यदि मैं बात करूं, एडमिशन की जो डेट थी वो हटा दी गई थी, मतलब एक्सपायर हो चुकी थी, अब यहाँ पर एडमिशन की जो डेट है वो मेरे भाई बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जितने भी छात्र हैं, यदि आप आईटीआई में, आपका दोस्त भाई कोई भी आईटीआई में एडमिशन लेना चाहता है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट आईटीआई में लो, चाहे आप प्राइवेट में लें, है ना, दोनों ही आईटीआई में यहाँ पर जो है एडमिशन स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई, दोबारा फिर से ओपन हुआ है पोर्टल, और ये 30 अक्टूबर तक पोर्टल ओपन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। 30 अक्टूबर तक जो है ये पोर्टल ओपन है, ध्यान रखना, एडमिशन का। तो यदि आप या आपका कोई भाई दोस्त कोई भी यदि आईटीआई में एडमिशन लेना चाहता हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, देखो वैसे तो सीटें काफ़ी सारी फुल हो चुकी होंगी, लेकिन गवर्नमेंट में तभी मिलेगा जो सीट खाली होगी। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट में चले गए, आपने कह दिया कि मुझे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड दे दो, एकदम मिल जाएगी, नहीं। गवर्नमेंट में क्या सिस्टम है, गवर्नमेंट में जो सीट खाली होगी, जो उनसे ट्रेड की सीट खाली होगी, वही आपको मिलेगी। हाँ, आप प्राइवेट में जा सकते हो, प्राइवेट में हो सकता है अधिकतर ट्रेड सीट खाली होती हैं, तो आप प्राइवेट में ले सकते हो। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के एडमिशन पोर्टल अभी ओपन है, आप नज़दीकी गवर्नमेंट आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो तीसरा अपडेट ये है, तीसरा जो हमारे पास वो है टॉपर लिस्ट का, ठीक है। जितने भी छात्रों ने यहाँ पर पेपर दिया था, उनकी जो टॉपर लिस्ट है वो जारी हो चुकी है मेरे भाई, ठीक। अभी मैं लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन लिस्ट देखने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप लोगों के लिए आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन पर क्लासेस स्टार्ट है। ये एप्लीकेशन मैंने चेंजेस करवाए थे एप्लीकेशन में कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें अपडेट चीज़ें हो रही हैं धीरे, देखो एकदम से तो एप्लीकेशन में ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ एकदम से ऐड हो जाएंगी। हम अभी नया नया एप्लीकेशन बनाया है ये दोबारा से, ठीक है। अब इसमें धीरे धीरे हम चीज़ें अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि वो पुराना एप्लीकेशन थोड़ी दिक्कत करता था बहुत ज़्यादा। उसमें ये भी नहीं पता लगता था कि स्टूडेंट कोर्स खरीद रहा है वो जा कहाँ रहा है, तो उसमें बहुत सारी समस्याएं थी। अब ये नया एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, आप आईटी एग्जाम मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, ऑल पेड क्लासेस पे आप जाना, ऑल पेड क्लासेस वाले सेक्शन पे, और आपको काफ़ी सारे कोर्सेस यहाँ पर मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिशियन, फिल्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। अभी जिस भी आपके, अगर यदि अन्य ट्रेड है आपकी, नीचे की साइड स्क्रोल डाउन करना, और भी कोर्स मिलेंगे। देखो क्लासेस तो सिर्फ आपको एक दो कोर्स में देखने को मिलेंगी, बाकी हम नोट्स के द्वारा आपको प्रोवाइड करवा देंगे चीज़ें, क्योंकि हर इंसान सिर्फ एक ही चीज़ में बेटर होता है। मैं सिर्फ आपको इलेक्ट्रिशियन का करवा सकता हूँ, फिटर का भी हमारे पास क्लासेस अवेलेबल है,
अनुसर करवाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की भी हमारे पास क्लासेस हैं। उसके बाद यहाँ पर जो डीजल मैकेनिक हो गया, कोपा हो गया, वेल्डर, ये थोड़े से देखो अलग कोर्स हो गए, ठीक है तो मैकेनिकल के अंदर, लेकिन हम आपको इसमें नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे और प्लस जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप और ईडी फर्स्ट ईयर में सबका सेम रहता है, तो वो तो क्लासेस आपको मिली जाएंगी देखने के लिए। तो इस प्रकार से बाकी जो अदर ट्रेड हैं उनके हम नोट्स पीडीएफ तौर पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, ताकि आप उनसे अच्छी तैयारी कर सको। और बाकी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उसकी तो क्लासेस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक बार मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और जो भी आपका कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो भैया अगर ऑफर का लाभ चाहिए, अभी फीस 599 है, दिवाली पर ऑफर आ जाएगा, ठीक है ना, दिवाली तक का वेट करना चाहो तो दिवाली तक का कर सकते हो, दिवाली पर ऑफर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। अब मैं आपको टॉपर लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार। तो फिलहाल अभी लिस्ट ही जारी हुई है, जैसे पिछली बार क्या था, आप जब डीजीटी की ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो 2023 के ही अभी वहाँ पर अपडेट हैं, 2024 के वहाँ पर फोटो अपडेट नहीं हुआ जिन जिन छात्रों के, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ लिस्ट जारी हुई है, यहाँ पर ही लिस्ट देख सकते हो आप लोग। एनसीवीटी के ऑफिशियल साइट पे जाकर भी आप देख सकते हैं जिन जिन छात्रों ने अभी की बार एग्जाम दिया था, तो उन सब के यहाँ पर नाम है, ठीक है ना, स्टेट लिखा हुआ है और उनकी आईटीआई का नाम और उनकी ट्रेड, ठीक है ना, यहाँ पर सब लिखा हुआ है ना, उनका रोल नंबर, ट्रेनी का नाम, स्टेट कहाँ से है, गवर्नमेंट मतलब आईटीआई का नाम लिख दिया, ट्रेड लिख दिया, कौन सी यहाँ पर स्टेट से है, सब इन्होंने मेंशन कर दिया। तो आप यदि आपको लग रहा है कि हाँ मेरा नाम टॉपर होना चाहिए था, तो आप इसमें आकर के चेक कर सकते हैं लिस्ट में। आप ये लिस्ट जो लेना चाहते हो, आप जो है एनसीवीटी की ऑफिशियल साइट जाकर एनसीवीटी सर्च करना गूगल में, उनकी ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं टेलीग्राम पर भी डलवा दूंगा, ठीक है ना, वहाँ से अपना चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ मेरे भाई ये तीन अपडेट थे, आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी एप्लीकेशन पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ अगली क्लास में साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।